चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय। चल बेटी, किसी पास काम देख कर आते हैं। चलो पिताजी। साहब हमें कुछ काम दे दो। तुम क्या काम करोगे? साहब जी कुछ भी काम बता दो, हम सब काम कर लेंगे। मैं तुम्हें कैसा भी काम बता दूं, तुम सब काम कर लोगे? हाँ साहब, हम सब काम कर लेंगे। चलो तो तुम दोनों मेरे जूते साफ करो। साहब ये कैसा काम है, हमने जूते साफ करने लिए थोड़ी ना बोला है। अभी तो तुम दोनों ने बोला था कि हमें कैसा भी काम बता दो, हम कर लेंगे। चल बेटी यहाँ से चलते हैं, हम और कहीं काम देख लेंगे। नहीं पिताजी, मैं साहब जी के जूते साफ कर देती हूँ। अबे ओए गरीब फटीचर, कुछ सीख इससे, तेरे से ज्यादा दिमाग तो तेरी बेटी में है। नहीं बेटी, तू जूते साफ नहीं करेगी, हम कहीं और काम देख लेंगे। पिताजी मैं इतने गरीब, हमारी मजबूरी है साहब जी के जूते साफ करना। अगर हमें कहीं काम नहीं मिला तो हमारे घर कुछ खाने को नहीं है, आज फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। देखो तुम्हें जूते साफ करने तो करो जल्दी से, नहीं तो जाओ यहाँ से। नहीं साहब, मैं आपके जूते साफ कर देती हूँ। तो फिर मेरा मुँह क्या देख रही है, जल्दी से करना। ठीक है साहब, करती हूँ। साहब जी आपके जूते साफ हो गए। चल ठीक है, ये ले 1 रुपया। साहब जी ये तो 1 रुपया है। रख ले इस 1 रुपया को, वैसे तुम दोनों की औकात तो 1 रुपया की नहीं है। साहब जी तुम हमारी गरीबी का मजाक बना रहे हो, इसे 1 रुपया देकर। इसमें मैंने तुम्हारी क्या मजाक बना दी, जो तुम्हारी औकात है उस हिसाब से मैंने 1 रुपया बिल्कुल सही दिया है। साहब जी हम बहुत गरीब हैं, साहब हम पर थोड़ा सा तरस तो खाओ। तुम दोनों गरीब हो तो मैं क्या करूँ, तुम ऐसा करो कटोरा लेकर बैठ जाओ भीख मांगने, फिर तुम दोनों पर गरीबी नहीं रहेगी। चल बेटी चलते हैं यहाँ से, इनका 1 रुपया इन्हें वापस दे दे। हाँ तो चले जाओ ना यहाँ से, मना किसने किया है? पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते मुंह उठाकर, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। बेटी मुझे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं अब। पिताजी ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? देख बेटी तू ऐसा मत बोल, अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी देखभाल करने वाला है ना ऊपर वाला। पिताजी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। बेटी तू मेरी दवाई कहाँ से लाएगी, घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं किसी के पास काम करके दवाई ले आऊंगी। बेटी तुझे कोई काम नहीं देगा, तुझे पता है कल हम काम देखने गए थे उसने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। हाँ पिताजी, सब लोग एक जैसे नहीं होते पिताजी, इस दुनिया में हर तरह के लोग पड़े हैं। बेटी तू कहीं मत जा, तू मेरे पास ही रह, मुझे लगता है मैं बचूंगा नहीं। पिताजी आप ऐसे मत बोलो, मैं अभी आपको दवाई लगाती हूँ। ठीक है बेटी, मगर जल्दी आना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है पिताजी, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं साले कहाँ रह गए, इतना टाइम लगा दिया और मुझे यहाँ पर बुला लिया, पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं।
साहब जी मैं आपकी बाइक साफ कर दूँ। अरे तू कहाँ से आ गई मेरा दिमाग खराब करने? मेरा दिमाग खराब तो पहले से ही बहुत है, चल निकल यहाँ से। साहब जी करवा लो, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। तेरा पिता बीमार है तो मैं क्या करूँ? मगर एक बात बता, तू मेरी गाड़ी साफ करेगी तो मेरी गाड़ी साफ करके क्या तेरा पिता सही हो जाएगा? साहब जी मैं आपकी गाड़ी साफ करूंगी, मुझे कुछ पैसे दे देना, फिर मैं अपने पिताजी की दवाई ले जाऊंगी। मुझे लगता है ये लड़की सच बोल रही है, अगर झूठ बोलती तो ये इतनी जिद नहीं करती। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। साहब जी क्या सोच रहे हो, मैं गाड़ी साफ कर दूँ? बेटी तू मेरी गाड़ी साफ मत कर, मैं तुझे ना 50 रुपए ऐसे ही दे देता हूँ, फिर तू ना अपने पिताजी की दवाई ले लेना। ये ले। लगता है मुझे वो लोग भी नहीं आने वाले, मैं भी कब तक इंतजार करूं उनका, मैं भी चलता हूं फिर। पिताजी देखो मैं आपके लिए दवाई ले आई। पिताजी उठो, पिताजी उठो। राकेश भाई हमारी पकौड़ी कहाँ गई? हनी भाई वो देख वो लड़की वो खारी बैठ कर बोलेगी हमारी पकौड़ी। चला आज इस भिखारन को बताते हैं। अबे ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पकौड़ी चोरी करने की? साहब मैंने चोरी नहीं की है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी फिर मैंने उठा ली थी। तुझे भूख लग रही थी तो हम क्या करें, ला चली देर दे। चल राकेश भाई चलते हैं। क्या भगवान गरीबियों को कोई नहीं होता? अरे यार ये तो वही लड़की है ना जो मेरी गाड़ी साफ करने को बोल रही थी। नारी है यहाँ पर क्यों सो रही है? अभी चलकर पूछता हूँ उससे। बेटी उठो, बेटी तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? तुम्हारा घर नहीं है क्या सोने के लिए? मेरा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी थे वो भी मर गए। बेटी तू ऐसे कब तक सोती रहेगी, कभी उधर कभी इधर? तू ऐसा कर तू मेरे साथ चल और वहीं पर मेरे घर पर रहकर पढ़ाई कर लेना, पढ़ना भी आजकल बहुत जरूरी है। ठीक है साथ चलो। चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय।
चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय चाय ले लो, चाय। साहब जी चाय लेनी है? हनी भाई चाय पिएगा क्या? हाँ भाई क्यों नहीं, जब चाय बेचने वाले इतनी सुंदर हैं तो इसके हाथ से चाय कौन नहीं पिएगा। साहब जी आपको चाय लेनी है तो बताइए। अरे नाराज क्यों होती है, चल बना दे दो चाय। अरे साहब जी मेरी चाय के पैसे तो दे दो। चाय के पैसे? हनी भाई देने से चाय के पैसे? देख हम तुझे चाय के पैसे दे तो देते लेकिन तेरी चाय में तेरे जैसे निखारना ही था। देखो साहब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, चुपचाप से मेरी चाय के पैसे दे दीजिए। अगर हम तुझे तेरे चाय के पैसे नहीं देंगे तो तू क्या हमें अपने साथ ले जाएगी? जब आपके पास चाय पीने के पैसे नहीं थे तो तुमने चाय क्यों पी थी? हमने नहीं बोला था तुझसे, तू खुद आई थी हमारे पास। मैंने सिर्फ आपसे बोला था, कोई जबरदस्ती नहीं दी थी मैंने आपको। देख तुझे पैसे चाहिए तो तू हमारे साथ चल, हम तुझे दुगने पैसे देंगे। कमीनो मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई भी पैसा, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो, मैं ये सोच लूंगी कि मैंने दो भिखारी को फ्री में चाय पिला दी। पहले तो तुम इससे बात कर। अरे भिखारी किसको बोल रही है, भिखारी होगा तेरा बाप। सुन अगर तूने मेरे पिताजी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी, समझा? अबे वो दो कौड़ी की लड़की, तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, तू हमें जानती नहीं है, इस थप्पड़ की सजा हम तुझे बहुत बुरी देंगे। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? सुन आज तो हम तुझे छोड़ रहे हैं लेकिन इस थप्पड़ का बदला हम एक दिन जरूर लेंगे। हाँ ठीक है मैं भी देख लूंगी। राकेश भाई मुझे इस लड़की की मौत चाहिए बस। छोटे तू चिंता मत कर, हम इसे ऐसी मौत देंगे इसकी लाश को चील कौवे भी नहीं खाएंगे। भाई इस लड़की की इतनी औकात, एक चाय बेचने वाले ने मुझे थप्पड़ मारा। भाई अभी ये जानती नहीं है इसने किसके भाई को थप्पड़ मारा है। राकेश भाई पता नहीं क्या हो गया, हम हल्के हल्के बर्बाद हो गए और हमारी सारी फैक्ट्री भी बंद हो गई। पता नहीं यार हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, आज वो टाइम आ गया कि हमारे पास रोटी खाने के लिए एक रुपया भी नहीं है। भाई ऐसे हम कब तक रहेंगे, हम कहीं काम देख लेते हैं, कम से कम रोटी तो मिलती रहेगी। छोटे तू ठीक कह रहा है, हम किसी के पास जाकर बेलदारी कर लेते हैं, कम से कम हमारा पेट तो भर जाएगा। ठीक है भाई चलो।
मुंशी जी हमारा हिसाब कर दो। तुम्हारा हिसाब मैडम जी करेंगी। मैडम जी? कौन सी मैडम जी? तुम अभी रुको, मैडम जी आने वाली हैं। हनी भाई, ये तो वही लड़की है चाय बेचने वाली। मुंशी, काम कैसा चल रहा है? मैडम जी, काम तो सही चल रहा है, इनका हिसाब कर दो। हाँ ठीक है, ये ले 1 रुपया। 1 रुपया? हाँ 1 रुपया। याद आया कुछ? खैर छोड़, तुझे तो कुछ याद नहीं आएगा, मैं ही याद दिला देती हूँ। राकेश भाई, ये सब क्या चल रहा है? तो चुप, और बिल्कुल चुप खड़ा रहे। और तुझे मैं बता दूँ, मैं वही लड़की हूँ जो कुछ साल पहले तूने मुझसे अपने जूते साफ करवाए थे और बदले में मुझे 1 रुपया दिया था, और आज मैंने वही बदला लिया है तुझे 1 रुपया देकर। मैडम जी, हमें माफ कर दो, हमें हमारे रुपए दे दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक इसी तरह मैं भी तेरे सामने गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। और तुझे पता है आज तुझे रोड पर लाकर किसने खड़ा कर दिया? मैडम जी, किसने? मैंने। क्या? हाँ, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगी। फिर मैंने IAS की पढ़ाई शुरू कर दी, और फिर मैंने तेरी सारी फैक्ट्रीज बंद करवा दी जिसमें गैर कानूनी काम हो रहा था, क्योंकि मैं ये काम IAS ऑफिसर बनने के बाद ही कर सकती थी। अब चल निकल यहाँ से, अगर यहाँ ज्यादा देर रुकाना तो तुझे जूते भी साफ करने पड़ सकते हैं। मुनीम, मुझे काम दिखाओ कैसा चल रहा है।